क्वेश्चन नंबर 42, ये 41 से ही बनाया गया क्वेश्चन है। मास ऑफ द लैडर जो है 16 ग्राम है और लेंथ जो है लैडर की 60 मीटर है। ये वाली वॉल स्मूथ है, ये रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.54 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू वेट बतानी है, वो मान लेते हैं एम है। ये 8 मीटर की डिस्टेंस पे है और वहीं पे रह के वॉल पे वर्क कर रहा है, पेंटिंग वगैरह जो भी कुछ करनी है, उसको पेंट करना है या सफेदी करनी है, जो भी करना है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बताना है। इसका फ्रीगो डायग्राम बनाते हैं, इसका फ्रीगो डायग्राम बनाए। इसका आदमी का जो वेट है वो तो क्या होगा, नीचे अट करेगा। जो लैडर है उसका वेट जो है वो नीचे अट करेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं N2 है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर है। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर है और वो वैल्यू कितनी है, N1 है। या दोबारा ड्रॉ कर देते हैं इसको डायग्राम को। ये वाली वैल्यू जो है N2 है, ये वाली जो वैल्यू है F है, इधर जो फोर्स लग रही है वो N1 है। यहाँ पे इसका जो वेट है 8 मीटर की डिस्टेंस पे है mg और ये इसकी हाफ लेंथ पे है 16g। यदि हम इसको आगे बढ़ा दें लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला जो एंगल है 37 है, ये 10 मीटर है, तो ये वाली जो साइड है 8 मीटर हो जाएगी। 10 cos 37 जो है 8 मीटर के बराबर होगा। ये वाली लेंथ निकालनी है तो ये लेंथ 5 है, तो 5 ये 53 है, 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3/5, 3 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये 8 है तो 8 cos 53, cos 53 जो है 3/5 है, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है, टॉर्क अबाउट ए। ए के अबाउट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे दो फोर्सेस पास कर रही है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। टॉर्क अबाउट ए जो है, बॉडी रोटेट तो कर नहीं रही है, वो जीरो होगा। ए के अबाउट टॉर्क निकालें तो 16g, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3, इसका निकालें mg, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 8 × 3/5, इसकी नॉर्मल रिएक्शन का निकालें -N1। ये तो इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इसलिए नेगेटिव हुआ N1। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 8 = 0, N1 की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आ जाएगी, इससे कैंसिल हो रहा है, 8 से 8 कैंसिल हो जाए, 8 × 16 6g − 3/5 या 0.6 mg इसके बराबर हो जाएगा। N1 की जो वैल्यू है, ये तो हमने तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाया, अब हम एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होंगी, 0 होंगी। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन होता होंगी 0 होगी, बॉडी रेस्ट पे है, तो एक्स डायरेक्शन में एक तो N1 फोर्स लग रही है और एक F लग रही है। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में जो फोर्स हैं वो क्या होंगी, 0 होंगी। वाई डायरेक्शन में N2 तो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, N2 जो है किसके बराबर होगा, mg + 16g इसके बराबर होगा। नेट फोर्स 0 है तो ये वाली जो फोर्स है इन दोनों को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। अब इस वाली कंडीशन से देखें, एफ जो है N1 की वैल्यू जो F1 के बराबर है, तो पुट कर देते हैं एफ जो है वो क्या होना चाहिए, < ≤ μN2 होना चाहिए। स्लाइडिंग ना हो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, μN2 से कम होना चाहिए। एफ की वैल्यू जो है किसके बराबर है, N1 के बराबर है, N1 जो है μN2 से कम होना चाहिए। N1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, N2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। N1 की वैल्यू है 6 − 0.6 mg < ≤ m + 16g इसके बराबर है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम की और म्यू भी था, म्यू जो है 0.54 है,
अब हमने गलती की है, 3 × 6। अच्छा ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसको इधर लिया आपने, एम वाली जो टर्म है इसको इधर लिया है, 0.60 m माइनस 0.54 m लेस देन इक्वल टू 0.54 × 60 माइनस 6, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर 60 में से 54 गए, 0.06 m वो लेस देन इक्वल टू 54/100 × 16 माइनस 6, 6 से कैंसिल हो रहा है, 0.01, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m लेस देन इक्वल टू 16 × 144 माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा, m जो है लेस देन इक्वल टू 44 हो जाएगा। m मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m किसके बराबर हो जाएगी, 44 किलोग्राम। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, पहले जो उसका वेट था 60 किलोग्राम था, म्यू की वैल्यू को हमने थोड़ा कम कर दिया है, तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, और वो किसके बराबर होगी, 54 किलोग्राम के बराबर होगी। और एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, सेम वैल्यू हो, सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, उसको मान लेते हैं वो गो अप एंड सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, वो मान लेते हैं कि हम 10 मीटर पूरी हाइट पे चला गया, जबकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो तभी आता है जब वो सेम प्लेस का मतलब है, पहले वाले क्वेश्चन में 8 मीटर की हाइट पे था, वो 8 मीटर की हाइट से ही, 8 मीटर की हाइट नहीं, 8 मीटर की लेंथ पे, लैडर की लेंथ पे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। और इन क्वेश्चन में एक जी की भी प्रॉब्लम है, जी 9.8 लेते हैं तो भी थोड़ा सा गलती आती है, 10 तो ले ही नहीं सकते।